अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मकबूल अमन और आप देख रहे हैं मकबूल ऑटो सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम है और गाड़ियां भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही हैं, तो आप उसको अपने घर में कैसे चेक कर सकते हैं जो ज़्यादा हीट अप होती हैं या ज़्यादा गर्माइश कर रही हैं, उनको आप कैसे चेक कर सकते हैं? आइए हम आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप डबल स्टैंड पे गाड़ी को खड़ा कर लें, उसके बाद सबसे पहले आप उसका ऑयल चेक करें। ऑयल चेक करने के लिए आपके पास एक प्लास होना ज़रूरी है। दोस्तों, ऑयल अच्छी क्वालिटी का होगा। ऑयल का बहुत बड़ा किरदार होता है इंजन को ठंडा रखने के लिए, तो ऑयल का लेवल जो है ना बिल्कुल पूरा होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसके बाद आप इसके दोनों व्हील चेक करें जो बिल्कुल रवा होने चाहिए। अगर व्हील फंसेगा या रुकेगा तो आपकी गाड़ी जो है ज्यादा हीट अप होगी। दोनों व्हील चेक करें, व्हील बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद आप इसकी ब्रेक चेक करें। ब्रेक में ये फ्री प्ले होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो ख्याल नहीं होता, पाँव इधर आ जाता है और ब्रेक लग जाती है और पिछला व्हील जो है जाम हो जाता है और गाड़ी जो है ना गर्म होना शुरू हो जाती है। तो ब्रेक की ये फ्री प्ले होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, ये गाड़ी तो पुरानी है, नई बैक होती है ना, इधर इंजन मैट लगा होता है, अक्सर हमको इंजन मैट को ऊपर कर देते हैं। इधर जगह होती है हवा की, इंजन ठंडे के लिए हवा क्रॉस होना लाजमी है। तो जब हम इंजन मैट लगाते हैं, इंजन मैट ऊपर हो जाता है और हवा इधर से क्रॉस होना बंद हो जाती है। ये भी बड़ी वजह होती है गाड़ी गर्म होने में। तो दूसरा जो हम करते क्या है, टाकी इधर खड़ी कर देते हैं। दोस्तों, इधर जो क्रॉसिंग बनी हुई है, ये भी इधर से हवा पर इंजन के ऊपर आती है इंजन को ठंडा करने के लिए। तो हमें चाहिए कोई भी टाकी या कपड़ा इधर ना खड़ा करें, तो इंशाल्लाह ये भी बहुत मददगार साबित होगा। तो ये सब चीज़ें आप घर में खुद चेक करें, अगर ये चीज़ें ठीक हैं तो फिर आप मिस्त्री के पास जाएं। उसके बाद कोई इंजन का मसला हो सकता है या क्लच प्लेटें डाउन हो सकती हैं, रिंग डाउन हो सकते हैं, तो ऑयल पंप काम नहीं कर रहा होता, वो मसला हो जाता है, ऑयल पंप गरारी टूट जाती है, वो है बाद का मसला। आप ये सब चीज़ें घर में चेक करें, उसके बाद अगर फिर भी गाड़ी गर्माइश हो रही है तो फिर आप इसको मिस्त्री या मैकेनिक के पास ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।